अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक आज पहले दिन समाप्त हो गई। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई को लेकर, राम मंदिर निर्माण में नींव के अंदर किन मटेरियल का प्रयोग होना है उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की गई। साथ ही जो नींव की भराई के बाद पलिंथ बनेगा उसमें मिर्जापुर के पत्थरों का भी प्रयास किया जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए 40 फीट की गहराई तक नींव की खुदाई का कार्य किया जा चुका है और साथ ही नींव के लिए उपयुक्त मिट्टी भी इंजीनियरों को प्राप्त हो गई है। कल दूसरे दिन की बैठक सर्किट हाउस में होगी। नींव खुदाई का काम 60% पूर्ण हो चुका है। कई स्थानों पर हम जितना खुदाई होना है वो 12 मीटर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी मिट्टी प्राप्त हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग करने के बाद तब तक इंजीनियरिंग फील्ड मटेरियल की डिजाइन और उसका कंपोजिशन प्राप्त हो जाएगा। IIT चेन्नई के माध्यम से, जैसे स्वामी जी ने कहा, और लोगों से परामर्श लेने के बाद हम उसकी भराई का काम यथाशीघ्र प्रारंभ करेंगे। अभी जो हमको सबको आज जानकारी मिली है, आगामी महीने में मार्च में ये पूरी परिसर में जितनी नींव की खुदाई काम है ये पूरा कर लिया जाएगा। शेष 40% सर नींव की जो भराई होगी, नहीं पत्थर शब्द नहीं, जो इंजीनियर्ड फील्ड मटेरियल है उसका विश्लेषण करते हुए उसमें क्या क्या मिला करके नीचे भराई होगी, उस मिट्टी को मजबूत करना जो अभी तक उसमें ऐसे विद्यमान थे, जिसको आप कहें टूटा हुआ मलबा था, वो हटा दिया गया है। अब उसके अंदर भराई करके मिट्टी की के मजबूती को प्रदान करने के लिए नीचे उसकी भराई कर की जाएगी और ऐसे मटेरियल जो IIT चेन्नई और हमारे LNT के इंजीनियर्स उस पर विचार करके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, उसके माध्यम से उसकी भराई करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। फिर प्लिंथ शुरुआत जहां से होगी वहां मिर्जापुर स्टोन के माध्यम से हम उसका निर्माण करेंगे। सर कब तक नींव भराई का काम शुरू हो जाएगा? ये मार्च के पश्चात नींव का भराई शुरू हो जाना चाहिए, ऐसा पूरा विश्वास है। मार्च में नींव खुदाई पूरी करके तब तक हमारे पास इंजीनियर्ड फिट मटेरियल की डिजाइन, ड्राइंग और उसका कंपोजिशन आ जाएगा और उसके बाद शुरू कर दिया जाएगा। अभी डिजाइन नहीं फाइनल हुई थी? अभी वो इंजीनियरों का विचार विमर्श चल रहा है, उसका लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया है, अब उनका प्रमाणित डिजाइन हमको आना है और लोगों से परामर्श लेकर के उनका यथाशीघ्र हम इसी महीने में उसको प्रस्तुत कर देंगे। सर एक क्वेश्चन और है सर, मोहम्मद इकबाल अंसारी जी बोल रहे हैं कि हम श्रमदान करना चाहते हैं मंदिर निर्माण कार्य में, इसके लिए क्या ट्रस्ट उनको आज्ञा देगा? पूरे देश के बहुत राम भक्त प्रतिदिन फोन करते हैं कार सेवा करने के लिए, लेकिन हमारी मजबूरी है, जब हम 50 फीट तक नीचे जा चुके हैं, 12 मीटर तक नीचे जा चुके हैं, वहां तो पूरा ब्लॉक लगा है, उनकी मशीनें काम कर रही हैं, वहां किसी को जाने देना ये रिस्क होगा। इसलिए हम सभी राम भक्तों से निवेदन करते हैं उस स्थान पर अभी जब तक नींव भराई का काम पूरा नहीं हो जाता है जाना इंजीनियरों के दृष्टि से मना है, इसलिए उसके बाद जब अवसर आएगा तो ट्रस्ट आग्रह करेगा, ऐसे भक्तों को हम सादर आमंत्रित करेंगे उनकी सेवाएं लेने। तो क्या पीछे से कोई रास्ते नए खोले गए दुहारी कुआं से रास्ते और उसकी डिजाइन से 62 एकड़ के एरिया के लिए उसकी प्लानिंग चल रही है। आपको 2 महीने के बाद उसके विवरण हम देंगे, कितने रास्ते होंगे, कहाँ क्या बनने वाला है, उसका पूरा विवरण देंगे। अभी फिलहाल मंदिर पर केंद्रित विचार चल रहा है, हम उस पर आगे बढ़ चुके हैं, सारे डिजाइन प्राप्त होने के बाद विस्तृत विवरण आपके सामने रखा है। थैंक यू सर। मंदिर निर्माण के कार्य की प्रगति की दृष्टि से हम लोगों को इस प्रकार की बैठकें लेना आवश्यक होता है, उसमें हर कदम पर क्या क्या हो रहा है ये सब चर्चा के विषय नहीं होते हैं, हम लोग निर्णय करते हैं और एक दूसरों का विचार लेकर के उस निर्णयों पर आते हैं। हम लोगों ने जो निर्णय किए हैं आज की बैठक में वो प्रातःकाल में हम लोगों ने जो विचार किया वह किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और
कैसे कैसे इस मंदिर का स्ट्रक्चर ऊपर लाने के लिए हम प्रयास करेंगे, उसका डिजाइन हमने देखा। अभी की हमारी बैठक में और सवेरे से अभी की बैठक में उसमें किन वस्तुओं का प्रयोग होगा इसके बारे में सारी चर्चा हुई। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें L&T ने और TCE ने यह विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार आधुनिक श्रेष्ठतम तंत्रज्ञान के लोग इसमें समाविष्ट हुए हैं और वो अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी प्रकार पारंपरिक ज्ञान जिनके पास है ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों का भी परामर्श लेकर के उनकी सहमति से हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि इसका फाउंडेशन से लेकर के अगला स्ट्रक्चर कैसा हो। और उसके लिए जिन दो श्रेष्ठ नामों का हम लोगों ने विचार किया है, जिनके परामर्श से यह प्राचीन पद्धति का भी मंदिर, प्राचीन पद्धति से भी यह मंदिर रिकमेंडेड है कि पद्धति उपयोगी है, इसका रिकमेंडेशन लेने के लिए, इसकी सहमति लेने के लिए जो दो नाम हम लोगों ने निश्चित किए वे अत्यंत प्रसिद्ध नाम है। पद्मभूषण डॉक्टर नागस्वामी उनका और चेन्नई के एन सुब्रमण्यम जो अत्यंत अच्छे पुराने आर्किटेक्चर के जानकार है, इन दोनों की भी सहमति प्राप्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया कि आधुनिक श्रेष्ठतम तंत्रज्ञान का जैसे हम लोगों ने उपयोग किया है और उनसे यह सारी बातें निश्चित हो रही है, उनकी पुष्टि इन पारंपरिक ज्ञान वाले एंशंट इंडियन आर्किटेक्चर के अत्यंत श्रेष्ठ विद्वानों से भी पुष्टि होकर के अगले काम किए जाएंगे। थैंक यू सर। अनुमान आज है कि केवल इस अभियान के अंतर्गत हम लोग 1900 करोड़ से अधिक तक पहुंच गए होंगे। नींव खुदाई का कार्य कितना हो गया है और अभी जो नींव खुदाई का कार्य चल रहा है तो कब तक आगे चलेगा एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। भैया।